नमस्कार, मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की LIC ब्रांच में, मॉडल टाउन में जो LIC की मेन ब्रांच है, वहाँ से ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर LIC के एजेंट्स मौजूद हैं, इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज ये इकट्ठा हुए हैं और ये अपनी मांगों की यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि उनको लोन इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। सर, सर आपका नाम? डॉक्टर सतीश कुमार जी, प्रेजिडेंट लिया। फिर क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए आप यहाँ पे आज सारे इकट्ठा हुए हो, क्या रीज़न है? मांगे तो पॉलिसी होल्डर के प्रति भी हैं कि दिन बे दिन पॉलिसी होल्डर का बोनस गिरता जा रहा है। 2002 में लगभग हमारा 70% के करीब बोनस था, तो 2014 में 40-45 के करीब रह गया, तो उसके बावजूद GST ऊपर से लगा दिया। आज भी हमारा बोनस 240-45 के करीब ही है। तो आपको बोनस को लेकर रहे प्रॉब्लम या सारी चीज़ें जो भी आप हैं, काफ़ी टाइम से चल रही थी, चार हमारी मतलब डिमांड है तो हमारी पॉलिसी होल्डर के प्रति भी है, एजेंटों की भी हैं। पॉलिसी होल्डर का है कि लोन इंटरेस्ट जो है वो 9.5% ये लेते हैं, बाकी बैंकों में जो FD का रेट है वो 6% 6.5% आज के टाइम में है। और एजेंट का भी ग्रेजुटी हमारी अब 3 लाख है, जबकि यहाँ एजेंटों की एज है 70 साल 65 साल 50 साल, जिन्होंने 40-45 साल मतलब अपने यहाँ दिए हैं उनकी ग्रेजुटी बनती है 3 लाख के करीब, तो ये बहुत कम है। और हम ग्रेजुटी की डिमांड करते हैं 20 लाख की कम से कम हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो ग्रेजुटी की मांग कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? विजय गांधी। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के हमें अच्छा लगा है, लेकिन हम लोगों को ये फील होता है आज की डेट में कि जो हमारे साथ पार्शियलिटी की गई है अभिकर्ताओं के साथ, एजेंट्स के साथ, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा खड़ा हुआ, इतना मतलब कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में, तो हम लोगों की यही छोटी मोटी डिमांड्स है। जैसे एम्प्लॉयज़ की ग्रेजुटी आज की डेट में 20 लाख 30 लाख हो चुकी है, हम लोगों की अभी तक 3 लाख ही हुई है, जबकि हम 30-30 सालों से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एजेंट्स जो हैं हमारी कॉरपोरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं, तो इन्हीं की वजह से कॉरपोरेशन यहाँ तक खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों के साथ ही इतनी पार्शियलिटी हो रही है। तो हम लोग बस इतना ही चाहते हैं, एक तो हमारे जो राइट्स हैं या जो हमें जो एक बुनियादी सुविधाएं हैं, कम से कम उन चीज़ों को तो हमें कम से कम प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा, हमारा पॉलिसी होल्डर को लेके भी डिमांड्स हैं कि भी लोन इंटरेस्ट जो है 9-10% काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, जबकि बैंक्स में लोन इंटरेस्ट हमारा 6% हो चुका है, तो कम से कम पॉलिसी होल्डर को जो पॉलिसी के अगेंस्ट लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो घटाया जाए। ये एक बहुत ही मतलब आजकल के सिनेरियो को देखते हुए बहुत ही एक मतलब कि बुनियादी डिमांड है कि पॉलिसी होल्डर पे इससे ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, ताकि उनकी पॉलिसीज बंद ना हो। तो इस तरह की छोटी मोटी डिमांड्स हैं, उन्हीं के अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं। आप बहुत सालों से, आपने बताया कि आप LIC के एजेंट बने हुए, आपको इससे पहले कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कि आप आज 25 साल बाद जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं? नहीं, ये डिमांड शुरू से ही चल रही है हमारी, लेकिन मैनेजमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही, तो इसलिए अब हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, ऐसे धरना देना पड़ रहा है। काफ़ी दिनों से हमारी, कई सालों से ये डिमांड्स हैं, तो लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही, अब क्या करें, मजबूरी में हम लोग बैठे हैं यहाँ। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर और भी एजेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? विनोद गुप्ता। मैं पिछले 34 साल से इस कॉरपोरेशन के साथ जुड़ा हूँ, और शुरू से जब से हमने जुड़ाव किया है इस संस्था के साथ में, तो जो हम पहले थे, पहले दिन से थे, आज भी उसी जगह पर खड़े हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। हिंदुस्तान में आज इंटरेस्ट रेट जो है 12% से जाके 4% पे रुका है, और LIC 9.5% पे पिछले 20 साल से चली आई है, हमारे लोन इंटरेस्ट पे 9.5% पे रुकी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी होल्डर के साथ ये जाती है और हमारे साथ भी जाती है। इसके अलावा हमारी जो भी डिमांड्स हैं उसमें सबसे पहले जो है, हम चाहते हैं कि हमारी ग्रेजुटी, जो कि हमारे 25-25 40-40 साल के एजेंट हो चुके हैं, उनकी एजेंट अभी तक की भी ग्रेजुटी जो है वहीं की वहीं 3 लाख पर खड़ी है, इसकी डिमांड हमारी कम से कम 20 लाख रुपए ग्रेजुटी, जो 15 साल पूरे कर जाए उसकी ग्रेजुटी
20 लाख रुपए होनी चाहिए। और हम ये डिमांड आज से नहीं, पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया है। हम मैनेजमेंट का और IRDA का ध्यान इस ओर दिलवाना चाहते हैं। अगर ये डिमांडें हमारी पूरी नहीं की जाएंगी तो हम इससे भी ज़्यादा मरण वर तक हम रखने को तैयार हैं। LIC को हम चताना चाहते हैं कि हमारी डिमांडें जल्द से जल्द पूरी करें। एजेंट एकता, एजेंट एकता, सकते हैं LIC जो मेन ब्रांच है करनाल की, वहाँ तमाम एजेंट्स मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो ग्रेचुटी उनको मिलती है, 15 साल के एजेंट को कम से कम 20 लाख की ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। और पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत से इन्होंने कहा कि उनको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। यहाँ पर आप करनाल से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा करनाल से LIC की जो मॉडल टाउन ब्रांच है वहाँ से। मेरी आप लोगों से यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं। यहाँ पे लगातार आप नारे लगते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के LIC की मॉडल टाउन की ब्रांच से। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए IBN24। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।